तेरा हुआ जिसे भी मिलती हूँ तो वो भी आम्रपाली आम्रपाली, यहाँ चिंटू जी के पास ये भी आम्रपाली। बुरा नहीं मानना चाहिए पर बहुत जलन होती है। तो क्या है ये सब... कब बुड्ढी होंगी यार। देखो धीरे धीरे लाइन जा रही है यहाँ पे आके। सो नमस्कार, स्वागत है आप सबका UNN मीडिया पे। और सब मुझे तो जानते ही हैं, कितनी बार बताऊं। सबसे पहले मैं बता देती हूं कि मैं इस वक्त हूं लखनऊ के खूबसूरत लोकेशन स्कॉर्पियो क्लब में, और हमारे साथ हैं दो खूबसूरत जोड़े। और फिल्म का नाम क्या है उन्हीं से सुनते हैं और आपको ले चलते हैं, दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कौन है भाई, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे चिंटू जी और आम्रपाली जी। लेकिन मेरी बहुत ही ख़राब आदत है, मेरी आदत है दो लोग के बीच में आने की, तो मैं बीच में आ जाती हूँ। नहीं, यहाँ बहुत लोगों की ऐसी आदत है, कोई दिक्कत। बीच में बुरा मत मानिएगा, माइक की वजह से वैसे थोड़ा तो जलन हो ही रहा था। मतलब जिसको देखो दीवाना कर देती है, कभी हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। नहीं नहीं, आपको जलन इस बात से हो रही थी कि एक लौते हमारे जो यूथ आइकन है और बैचलर हीरो हैं वो मेरे बाजू में खड़े थे। जलन आपको सिर्फ इस बात की थी और किसी चीज़ की जलन नहीं थी। देखिए एडमिट कर लीजिए खुशबू जी। नहीं, मैं कहीं भी जाती हूँ वहाँ पे आपका कब्जा रहता है। मेरा हुआ जिसे भी मिलती हूँ तो वो भी आम्रपाली आम्रपाली, यहाँ चिंटू जी के पास ये भी आम्रपाली। बुरा नहीं मानना चाहिए पर बहुत जलन होती है। तो क्या है ये सब... कब बुड्ढी होंगी यार। देखो धीरे धीरे लाइन जा रही है यहाँ पे आपके आसपास, मत बोलो, नजर मत लगाओ प्लीज। जल्दी से थोड़ा सा शादी उदी करके। ये बुड्ढी होने पे भी हम सब की क्रश और हम सब की मोहब्बत बनी रहेंगी, उस वक्त भी इतनी खूबसूरत लगेंगी कि मैं तभी भी इनकी खिड़की के नीचे खड़ा रहने को तैयार रहूँगा। कम से कम मेरे रहते हुए तो मत बोलिए, बाद में बोलते रहिए। खैर हम लोग आते हैं, जिसका नाम में ही लव है, फिल्म का जो नाम है इसमें लव है। तो हमने इनसे तो सुन ली, अब आपसे सुनते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो इनके बारे में जो मैंने बता ही दिया कि हमारे इकलौते एक्सट्रीमली टैलेंटेड और सुप्रीमली यंग और इकलौते बैचलर एक्टर। तो वो असर सेट पे देखने को मिलता है जब लड़कियां आती है, कभी क्राउड में आए या कभी फ़ोटो खिंचाने आए, मुँह मत छुपाइए, हमने देखा है, ऐसे आती हैं, चिंटू जी चिंटू जी एक फोटो, और फिर हाय गुड मॉर्निंग ऐसे कर देंगे। ऐसा एक्सप्रेशन हमने खुद देखा है अपनी आँख से। हम लोग शूट कर रहे थे एक कॉलेज में और वहाँ कॉलेज की लड़कियों को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखा है। तो आई थिंक इनके बारे में इतना कह दिया है जो मैंने, बाकी आप लोग अनुमान लगा लीजिए, आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि आगे क्या होता होगा। एंड सेकेंडली इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि हम लोग जब साथ में काम कर रहे हैं और वो वाला जो सुख मिलता है ना कि आपके सामने एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, दो गुना तीन गुना मेहनत, वो वाली मेहनत यहाँ पे करने का मौका मिल रहा है। और जब भी एक आर्टिस्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा करने का मौका मिलता है ना तो आई थिंक वो अपने 100% से थोड़ा 10% ऊपर ही देता है। और जब दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे को टक्कर देते हैं ना ताकि हम अच्छा सीन कर सकें, अच्छा स्क्रिप्ट कर सकें, तो वो फिल्म में दिखता है। एंड आई एम डैम श्योर कि loveviva.com में आपको दैट लेवल ऑफ केमिस्ट्री और दैट लेवल ऑफ इम्प्रोवाइजेशंस जो हम दोनों साथ में छोटी छोटी चीज़ें जो हमने की है, हर सीन में जो ऐड किया है, वो सब देख के मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि इतना न्यूनेस है ना इस फिल्म में, मतलब ये बिल्कुल भी अगर रूटीन होती तो वो चीज़ भी रूटीन लगता, लेकिन ये स्क्रिप्ट ही इतनी नई है और इतनी आज के समय की है कि जब इसमें हम आज के समय का थोड़ा थोड़ा ह्यूमर डालते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि ऑडियंस बहुत एंजॉय करेगी इसको। क्या बात है, मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रही हूं, नज़रें हटती हैं मैडम से जब एक्टिंग करती हैं तो? बिल्कुल नहीं, जब ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि जो केमिस्ट्री जो बॉन्डिंग हम लोगों की जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था और उससे कहीं गुना ऊपर उभर कर आया है इस सिनेमा में। और जैसा कि अभी आम्रपाली जी ने आप सबको खुद कहा कि बहुत कुछ नयापन है, और वाकई में बहुत कुछ नयापन है। एक छोटी छोटी जो आज के जो जो यंग कपल्स जो करते हैं, जो रहते हैं, जो जो उनका जो फीलिंग्स है जो आज के लोगों में, युवाओं में, और जो मैं सिर्फ युवाओं की बात ही नहीं करूँगा, जितने भी जो कपल्स हैं चाहे वो शादीशुदा हों चाहे वो ना हो, तो जो उनकी जो फीलिंग्स होती है, जो अंदर की जो बात होती है, जो वो बोलना चाहते हैं कई
लोग बोलते हैं, कई लोग नहीं बोल पाते हैं, वो फीलिंग को दर्शा रहा है ये सिनेमा। और ये हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के लिए ये सिनेमा है। जो भी इस फिल्म को देखेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अपनी मोहब्बत को ज़रूर याद करेगा। इतनी खूबसूरत केमिस्ट्री हम दोनों की बनी है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब अभी जैसा इन्होंने कहा कि हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो आपको एक मन में होता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ, तब तक वहाँ से कुछ इतना अच्छा वो कर देती है ना कि आपको लगता है अरे यार इतना अच्छा क्या ऐसा कुछ करते हैं, तो एक उसी में इतना खूबसूरत सा चीज़ निकल आता है। और जहाँ नज़रें हटने की बात है, तो मेरी क्या, वो तो जितना भी भोजपुरी आवाम है, जितने भी मर्द जात हैं, जितना भी लड़के हैं जो मेल्स अपने आप को कहते हैं, उनकी किसी की भी नज़रें इनसे हटती ही नहीं है हमेशा, ये प्रमाणित हो चुका है। और उसका प्रमाण मैं खुद भी हूँ, मेरी भी नज़रें इनसे हटती ही नहीं थी। ये जब चाहे सीन करें चाहे ना करें, वैसे भी मेरी नज़रें इन पर हमेशा टिकी ही रहती थी। क्या बात है। सर मैं आपसे एक सवाल, जैसे होता नहीं कि सबके माइंड में एक होता नहीं जोड़ी का वो चेहरा छप जाता, मतलब निरहुआ और आम्रपाली हिट है, तो क्या लगता है ये जोड़ी हिट हो पाएगी? दर्शक जो आपके फैंस है वो कितना इसको पसंद कर पाएंगे? आई थिंक ये तो बहुत, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दिनेश जी के साथ मेरे पैर को इतना ज़्यादा सराहा लोगों ने और इतना ज़्यादा प्यार दिया, आज भी देते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जीवन भर देते रहें। लेकिन ना बात ये होती है कि पहले 10 मिनट जब वो लोग कोई मूवी या कुछ देखेंगे तो इनको चिंटू जी समझेंगे, हमको आम्रपाली समझेंगे, दिनेश जी को निरहुआ जी समझेंगे, लेकिन जब कहानी में दम होता ना तो 10 मिनट बाद आर्टिस्ट की छवि ख़त्म हो जाती है और कहानी आपको आगे लेकर जाती है, किरदार की छवि बन जाती है। एंड आई एम प्रिटी श्योर जब अच्छे आर्टिस्ट अच्छे किरदार में, अच्छी कहानी में अच्छे किरदार निभाते हैं ना, तो ये जो स्टीरियोटाइप है, चाहे वो जोड़ी का हो, चाहे जिस भी चीज़ का हो, चाहे स्टारडम का या जो भी चीज़ का, जो स्टीरियोटाइप है वो ब्रेक हो जाता है और फिर ऑडियंस सिर्फ कहानी को एंजॉय करने लगती है। सो आई थिंक हम दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए कि हम कहानी को इतना और परफॉर्मेंस को इतना मजा हुआ कि करें कि ऑडियंस का और किसी चीज़ पे ध्यान ही ना जाए और कभी नहीं जाएगा। वैसे मैं आपका लुक देख रही हूँ, प्रॉपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे मैम साड़ी बहुत अच्छा लगती है, इसमें साड़ी वाला कुछ लुक है कि नहीं? बिडा और एक भी फिल्म इनकम्प्लीट है अगर आम्रपाली साड़ी ना पहने। और साड़ी का तो इतना कमाल सीक्वेंस है इसमें, इस फिल्म में, कि मतलब वो इतना गुदगुदाने वाला चीज़ है जब इनको साड़ी पहनना है इस फिल्म में, मतलब वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वो मैं बोलूँगा नहीं, वो जब आप लोग सिनेमा में देखेंगे वो चीज़ तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। मैं खाली ये इतना सा बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने लड़कों को देखा होगा अपनी अपनी बेटा हाफ्स का पल्लू ठीक करते हुए सर से, इसमें आप उससे 3 कदम ज़्यादा देखने वाले हैं, तो प्रिपेयर्ड रहिए, बहुत रोमांटिक और बहुत क्यूट लगेगा देखकर। क्या बात है। वैसे क्योंकि हम बता दें loveviva.com के सेट पे हैं और इनको शूटिंग करनी है, तो अभी यहाँ यहीं क्लोज़ करते हैं क्योंकि हम पीछा तो छोड़ेंगे नहीं, हम दोबारा आएंगे और दोबारा और अच्छे से करेंगे और देखेंगे उस बार साड़ी पहनी है कि नहीं। मुझे एक बार साड़ी वाला इंटरव्यू करना है क्योंकि एक बार मैं सूट में कर चुकी, मैं काउंट करती हूँ मैंने आपका कौन कौन से गेटअप कर लिया, साड़ी वाला बच्चा है वो साड़ी वाला कर। तो हुआ है हमारा रोमियो राजा के टाइम पे, मैं साड़ी में थी। हाँ, बाय द वे वो वीडियो 2.5 मिलियंस पहुंच गया। अरे वाह वाह, इसलिए इनको यूट्यूब क्वीन कहा जाता है। यस, एक्सप्रेशन क्वीन। एक्चुअली ये मैंने बोला कि आप यूट्यूब क्वीन तो हैं लेकिन आप वाकई में जो आपको एक्चुअल नाम होना चाहिए वो होना चाहिए एक्सप्रेशन क्वीन, क्योंकि हाँ 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 एक्सप्रेशंस तो हू लाला।